हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टीसीएस के बारे में है। तो एक बार टीसीएस पर डिस्कस कर लेते हैं। टीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। इसके विपरीत टीडीएस जो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, और टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टीसीएस कहाँ पे कैलकुलेट होगा, कौन से वाउचर में जाके कैलकुलेट होगा, मैं आपको सेल्स वाउचर की सलाह दूंगा। अगर आप टीसीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सेल्स वाउचर में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर जो भी रेफरेंस नंबर है वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आता है डेटर पार्टी का लेजर। तो डेटर पार्टी का कोई भी लेजर आप चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि डेटर पार्टी जब बनाइएगा तो उसमें आप जो है आपको एक काम करना है। पहले तो हम बाहर आते हैं यहाँ से, अभी इसकी एंट्री नहीं करते हैं, बाहर आते हैं और यहाँ से अल्टर पे आ जाते हैं और एक बार जो डेटर पार्टी हमको लेना है उसका लेजर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको लेना है गौरव डी, तो इसका लेजर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब आते हैं ना तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी पैन नंबर नहीं दिया गया है। तो पैन नंबर देना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर मैं पैन नंबर दे देता हूँ। ये हो गया पैन नंबर, ठीक है। तो पैन नंबर जरूर दे दीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये गौरव डी नाम से था, इसका पैन नंबर हमने दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर हमने डाला, एंटर किया। अच्छा, यहाँ पर टीसीएस का लेजर भी बनाया जाता है, तो टीसीएस का लेजर तो बन ही जाएगा, लेकिन पहले हम लेजर लगाते हैं। ये गौरव डी वाला, ये लगा दिया लेजर, एंटर किया और एंटर करते हुए यहाँ आएंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाता है। अब जैसे ही आता है तो यहाँ पर स्टॉक आइटम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए 9 डेस्कटॉप हैं, तो यहाँ पे एंटर किया और इसकी कीमत यहाँ आ गई है, देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, टीसीएस का एक्टिवेशन करना है। तो F11 करके यहाँ पर देखिए, ये टीडीएस दिया है, टीसीएस दिया है, दोनों दिया हुआ है। हमने टीसीएस ऑप्शन को चालू ही नहीं करा है, तो यहाँ से पहले टीसीएस ऑप्शन को चालू करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे इंडिविजुअल रखना है और यहाँ पे देवरिया ही रहेगा, यहाँ पर जो रिलेटेड पर्सन है उनकी पूरी डिटेल आती है। तो यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर एंटर करेंगे। अब एंटर करते हुए पूरा लास्ट तक आएंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये एक्सेप्ट तो हो गया। अब यहाँ पर एक टीसीएस का हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर टीसीएस का लेजर ऑलरेडी चूंकि हमने बना रखा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये टी प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए टीसीएस का लेजर पहले से क्रिएटेड है, लेकिन यहाँ पर हम जाते हैं तो हमारा टीसीएस कैलकुलेट नहीं होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि हमने बहुत सारी सेटिंग्स में गड़बड़ी कर रखी है। अब टीसीएस कैलकुलेट कैसे होगा उसको देख लेना, जान लेना जरूरी है। देखिए, पहले तो हम बाहर आते हैं इससे, ठीक है। और जब भी आप जो है लेजर बनाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टीसीएस का एक बार लेजर चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम आएंगे तो टीसीएस का लेजर चेक करेंगे। और यहाँ पर जो डेटर पार्टी का लेजर था उसमें टीसीएस एप्लीकेबल भी हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे कर दिया है। बाकी यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स आप देख लीजिएगा, देना है कि नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे पैन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये अभी क्लियर हो गया, गौरव जो डेटर पार्टी थी हमारी उसका लेजर हमने सही कर लिया। अब एक बार चलते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारा टीसीएस कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर आएगा, गौरव डी करके हमने लगा भी दिया है। एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाएंगे, सेल्स का लेजर लगाएंगे। और सेल्स का लेजर लगाने के बाद यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक आइटम हम लेंगे, जैसे हम डेस्कटॉप ही लेते हैं, 9 डेस्कटॉप, ठीक है। और यहाँ पे 40,000 का एक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ टीसीएस का लेजर लगाने के लिए। तो जैसे ही टी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए टीसीएस ऑटो कैलकुलेट होकर के हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने लेजर सही से क्रिएट किया है कि नहीं किया है। अगर लेजर सही से क्रिएट किए होंगे तो टीसीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, और टीसीएस हमने सेल्स वाउचर में कैलकुलेट करा है। यहाँ पे नरेशन में डाल देते हैं टीसीएस कलेक्टेड कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जब इसका देखेंगे बिल तो आपको बिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये सेल्स वाउचर वाला था। तो यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए टीसीएस कटा हुआ है, अल्ट पी करके और एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर टीसीएस जो है किस प्रकार से कैलकुलेट हुआ है वो आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स लिख के आ रहा है और 5% टीसीएस जो है डिडक्ट हुआ है, कितने अमाउंट पे हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।